टेंथ से इलेवेंथ की जो मैथ्स की जर्नी है दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट। देखो सबसे पहले तो बहुत समझ वाला बहुत अकल वाला स्टेप लिया है इलेवेंथ में मैथ्स लेके। कैन यू इमेजिन कि जितने भी नए स्टार्टअप्स हम सुनते हैं कि ये स्टार्टअप बना, ये हुआ, वो हुआ, उन सब की जड़ में, इनफैक्ट अब जितने भी हम नए बिजनेसेस भी अब सोचो उन सब की जड़ में जो एक्चुअली कोर अंडरस्टैंडिंग है वो अब मैथ्स है। तो ये तो हो गया गुड पार्ट कि जो हम करने लगे हैं दैट इज़ ग्रेट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट वुड बी अ कम्प्लीट गेम चेंजिंग प्रोसेस। इलेवेंथ ट्वेल्थ में आके जिस तरीके से हम आज तक सोचते आए हैं हम बिल्कुल उससे अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। देखो टेंथ तक जो मैथ्स हमने फेस करा उसमें सोचो हमारे साथ वो बच्चे भी थे जिनका फर्दर एम मैथ्स रखना नहीं था, कोई पेंटर बनना चाहता था, कोई सिंगर एंड वॉट एवर एंड ऑल द बेस्ट टू देम। हमने बाय चॉइस डिसाइड करा कि हम अपने एनालिटिकल स्किल को ग्रो करेंगे, मतलब अपनी सोच पाने की समझ को ग्रो करेंगे, तो विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। पर वो अभी हुई नहीं है। अभी टेंथ के बाद हम जब जब जस्ट इलेवेंथ में आते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत तरह की पिक्चर दिखाई होती है कि इलेवेंथ ऐसी या ट्वेल्थ ऐसी या IIT ऐसा। उन सबको उन सारे बायसेस को अभी के अभी क्रॉस कर दो, कुछ भी अपने माइंड में मत लेके आओ कि ऐसा या वैसा या वॉट एवर। कंप्लीटली याद रखना और कंप्लीटली याद रखना और आज के बाद बिल्कुल अपने आप को बुलवाना एंड आई एम गारंटिंग दिस थिंग कंप्लीटली। इलेवेंथ ट्वेल्थ का मैथ्स, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इवन IIT का मैथ्स, ये सारा प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमें ज़बरदस्ती डराया गया होता है कि पता नहीं क्या। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी गड़बड़, क्यों इतने बच्चे सारे के सारे हमें कहते हैं? सारी जो गड़बड़ की जड़ है वो एक्चुअली है लैक ऑफ डिसिप्लिन, याद रखना ये बात। और अब से 3 महीने बाद जो अभी सुन रहे हो वो और ज़्यादा रेलिवेंट लगेगा। सारी जो गड़बड़ की जड़ है दैट इज एक्चुअली द लैक ऑफ डिसिप्लिन। एंड बाय लैक ऑफ डिसिप्लिन आई मीन व्हाट इज दिस कि जब हम 10th में होते हैं, देखो 10th का सिलेबस जो हमने फेस करा दैट वॉज वेरी बेसिक, क्योंकि देखो हमारे साथ वो बच्चे भी थे जिन्होंने फर्दर मैथ्स नहीं रखना था, तो इट वॉज अ बेसिक मैथ्स। जो हमें स्टैंडर्ड मैथ्स के नाम पर भी कराया गया इट वॉज स्टिल बेसिक। एक अच्छे बच्चे ने क्या करा, उसने 10th में RD शर्मा कर ली, NCERT कर ली, एक आधी बुक किसी और फ्रेंड ने बताई उसमें वो कर ली, एंड अल्टीमेटली हमें उन्हीं पैटर्न्स में से क्वेश्चन मिल गए और हम हैप्पी हो गए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इलेवेंथ में आके या फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब हम अपेयर करेंगे, अल्टीमेटली तो अपेयर करेंगे, IIT इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, कल को क्या पता कोई और एग्जाम दो। तो उन सब की जड़ में जो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट है वो ये कि हमारा अपना दिमाग चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए इलेवेंथ ट्वेल्थ में जो अब हम मैथ्स करेंगे उस पर पूरी तरह फोकस रहेगा कि एक्चुअली हमें अपने आप सोचना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना कि हमें अपने आप सोचना आ जाए। मुझे नीड नहीं पड़े कि कोई मुझे बच्चा आके बोले कि उस बुक का क्वेश्चन है वो तेरे से हुआ कि नहीं हुआ या तूने वो बुक करी कि नहीं करी। इलेवेंथ में फॉर एग्जाम्पल अब ट्रिग्नोमेट्री फेस करोगे, बहुत दिन चलेगा, बहुत लंबा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे हम 10th में करते थे कि हमने ये बुक कर ली, ये बुक कर ली, अब ट्रिग्नोमेट्री की 11th में आके 50 बुक्स ट्रिग्नोमेट्री की होंगी। तो क्या हमने वो 50 बुक्स करनी है? तो बिल्कुल नहीं करनी। क्या मैंने भी वो 50 बुक्स देखी भी हुई है? बिल्कुल देखी भी नहीं और मैंने देखनी भी नहीं है। तो एग्जैक्ट मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें सोच पाने का तरीका समझ में आ जाए कि मुझे 50 बुक्स की जगह 51st बुक भी अगर लिखी जाए तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हो वो मेरे से सॉल्व होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हमारी बिल्कुल राइट तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और हम 100% कॉन्फिडेंट होंगे। वो कैसे होंगे? जब हम खुद क्वेश्चंस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? वो पहले पूरी क्लासेस के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, साथ साथ असाइनमेंट्स आएंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर वो जोन में आके अल्टीमेटली देखो जो बच्चे IIT गए या वो इतने एक्सेलेंट जोन में है वर्ल्ड वाइड, तो उन सबको बिल्कुल क्लियरिटी में ये बात याद रही कि हमारा काम पूरी तरह है कि हमें बात समझ में आ जाए। तो एग्जैक्टली दिस शुड बी द फोकस। तो अभी पहली नई बात क्या सुनी और क्या याद रखना है वो ये कि अब ऑनवर्ड जब हमने क्लासेस अटेंड करनी है तो 100% डिसिप्लिन के साथ करनी है, सारा काम बहुत सिंपल है। अब इस ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट यू हैव एन एडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो क्लास में अगर कोई बात अगर मान लो मैंने भी बोली होती या कहीं पे जो बच्चे सोचो कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे बैठ के भी अगर क्लास में जाके तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कोई टॉपिक अगर करा
वो टॉपिक मान लो किसी रीजन से उनका मिस हो गया, उनको बात 1 मिनट के लिए नहीं समझ में आई, या 3 महीने बाद वो बात अगर भूल गए, तो अब वो ट्रबल ख़त्म। फिर से उस क्लास को अटेंड करो, फिर से उस पॉइंट पे फोकस करो। नाउ आई हैव स्टूडेंट्स जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कई बच्चों ने एक एक क्लास को तीन तीन बार अटेंड करा है, अभी करा, 3 महीने बाद फिर से क्लास अटेंड करी, एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट मैथ्स का प्रोसेस फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी एडवांस लेवल। इनफैक्ट अब जो बच्चे फर्दर ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, KVPY और जो भी एग्ज़ाम देंगे, हम इस पूरे प्रोसेस में वो सारे क्वेश्चंस, उनकी सारी वैरायटी आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, सोचना कैसे है। अकेला काम जो खुद करना है वो ये कि डिसिप्लिन लूज़ नहीं करना। हमने हमें जो काम दिया गया, जैसे फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस, ये टॉपिक डायरेक्टली हमें बहुत ज़्यादा लेवल तक स्कूल के एग्ज़ाम्स में तंग नहीं करेगा, तो उसको लेके कोई बहुत वरिड नहीं होगा। पर ये पहली बार हमें केवल ये सिखाएगा कि सोचना कैसे, मैं कैसे सोच रहा हूँ। तो अब एडवांटेज क्या है, और याद रखना ये बात, जो भी टॉपिक साथ में करो उस टॉपिक पे टाइम स्पेंड करो। जैसे एक क्वेश्चन मान लो मैंने दिया, तो उस क्वेश्चन पे अगर मान लो अगर ब्लॉक हो जाते हो तो इट इज़ परफेक्टली ओके। उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली फिर से अटेम्प्ट करके देखो, टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, पॉज करो वहाँ पे क्लास, अटेम्प्ट करो। वहाँ पे ऑलरेडी हर क्वेश्चन के साथ टाइम गिवन होगा कि इतनी देर में अटेम्प्ट करना है। तो अगर मान लो उतनी देर में नहीं भी हो पाता, तो अपने आप को खुद समय दो कि मेरे से क्यों नहीं हो पाया, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो, आगे मैंने ही कराया होगा। और अगर मान लो उसमें कोई पॉइंट लगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो या तो उस क्वेश्चन को फिर से ऑब्जर्व करो और अपनी कॉपी में फिर से अटेम्प्ट करके देखो, बिकॉज नथिंग कैन रिप्लेस योर डूइंग द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके बिना कुछ नहीं आ सकता। मैं जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, इट इज़ ऑल अ वेस्ट, जब तक वो हमसे अपने आप लिख के सॉल्व नहीं होंगे। तो उस प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बचना, नहीं तो सारा प्रोसेस वेस्ट है। तो अब जब जब हमें टास्क डिफाइंड हो कि इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करो, उतने काम में वो काम कंप्लीट करो। अब जैसे लीनियर इनइक्वेशंस की 7 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस के अलावा उसमें 2 असाइनमेंट्स गिवन है, 2 असाइनमेंट्स आर देयर विच हैव बीन ऑलरेडी गिवन थ्रू द टेलीग्राम ऐप, एंड दे वुड बी एडेड ऑन द ऐप इटसेल्फ। तो डायरेक्टली वो ट्रू मैथ ऐप के ऊपर भी ऐड होंगी, टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी हमें अभी गिवन है असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी, उनके सॉल्यूशंस भी साथ में करने। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द टेस्ट, कि टेस्ट में जो मर्जी क्वेश्चन मैं डालूँ, हमें उसको पूरे करज से खुद अटेम्प्ट करने का की समझ होनी चाहिए। तो दिस गोज़ फॉर द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लीनियर इनइक्वेशंस। अब देखो यहाँ पे अब फर्दर यू हैव एन एडवांटेज, हर बच्चे की अलग स्पीड, हर बच्चे की अलग स्पीड है, किसी को बात समझ में आ जाती है फटाफट, किसी को थोड़ा समय लगता है। तो अब टाइम लगे या ना लगे, किसी ने स्लो चलना है, किसी ने फास्ट चलना है, अल्टीमेटली याद रखना दोनों के पास बहुत टाइम है। जो बच्चे हम सुनते हैं ना कि 10 से 9 से 8 से IIT की तैयारी कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू कोई फ़ायदा नहीं, 2 साल ये 11th 12th प्रॉपरली लगा लो, 1.5 साल में इनफैक्ट वी वुड बी कवरिंग एवरीथिंग इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर, पूरी तरह कम्प्लीट IIT की प्रिपरेशन 1.5 साल में कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब मर्जी एग्ज़ाम दिलवा लो। बस 1.5 साल अगले जैसे जैसे काम बताया जाए करना एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 अलग अलग बच्चे हैं, किसी का पेस स्लो, किसी का पेस फास्ट। जिसका पेस स्लो है उसके लिए 1.5 साल है, उसके लिए 1.5 साल है कि वो आराम से एक क्लास चाहे दो दो बार अटेंड करे, पर उसको वैसे ही बोलना आना चाहिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंने बोला है। और यू वुड बी सरप्राइज्ड कि सबका सबका दिमाग इतना होता है कि अल्टीमेटली उनको वो बात समझ में आ जाए। तो इट इज़ नथिंग स्पेशल, कुछ मत सोचो। कोई बच्चे सुनाते हैं ना कि IIT में ये आता है या IIT में वो आता है, बिल्कुल अभी उनके साथ किसी भी तरह के बायस में, किसी भी तरह की नॉइज़ में मत फंसना। जो टॉपिक साथ में कंप्लीट कर लो, जैसे अब हम इसके बाद लीनियर इक्वेशंस तो अभी बहुत बेसिक है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे, फिर फर्दर प्रोग्रेशंस करेंगे, एंड सो ऑन। जो टॉपिक मेरे साथ कर लो पहले, अभी 3-4-5 महीने तो लगेंगे साथ में एक बार प्रोसेस सेट होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जो बच्चे वो कुछ भी हमें दिखाते हैं क्या हमसे अब हो पाता है। एंड यू वुड बी सरप्राइज कि यू वुड बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वो जहाँ से मर्जी जो मर्जी क्वेश्चन डालें, पिछले IIT में आए हुए क्वेश्चन या किसी भी लेवल पे क्वेश्चन, क्योंकि हर चीज़ की जड़ में एक्चुअली सिंप्लिसिटी है। तो हम लोग काम करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो याद रखना कि हम लोग काम करेंगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे, वो मेरा काम है, इट इज़ नॉट योर वर्क। तो हमारा खुद का काम क्या है,
क्लास के बीच में आने वाले क्वेश्चंस को साथ में बिल्कुल कॉपी पे साथ में अटेम्प्ट करना, जो कि बहुत सारे होंगे. उसके अलावा असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, जो कि बहुत सारी आएंगी. और मेन टास्क क्या है इन दोनों कामों का, कि अल्टीमेटली टेस्ट देना. टेस्ट में स्कोर कम आया तो भी पैनिक नहीं होना. अच्छा याद रखना, हर दूसरे दिन हमारे माइंड में हर दूसरे दिन आना शुरू होगा कि मैं ये क्यों करूं, मैंने तो कल को, मतलब यू वुड बी हैविंग सो मेनी थॉट्स टू एस्केप द प्रोसेस. कई बार मेरे माइंड में आएगा कि मैंने बाहर चले जाना है, मैंने कैनेडा चले जाना है, मैंने US चले जाना है, या मेरा एम तो कल को सिंगर बनने का है. सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. इफ़ यू हैव जॉइंड दिस कोर्स, यू वुड बी ग्रिल्ड थ्रू आउट द कोर्स, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बीन गिवन टू मी. तो वो ग्रिलिंग से नहीं बचना, क्योंकि अल्टीमेटली याद रखना कि कोई भी बड़े से बड़ा, सोच लो एलन मस्क को हम ध्यान में रख लें, या किसी को भी, MS धोनी, अमिताभ बच्चन, हमें इन सब की अल्टीमेटली सक्सेस तो दिखती है, याद रखना, पर वो डायरेक्टली वहीं से शुरू नहीं हुए थे. सो दिस इज़ द जोन जहाँ पे कि हमने प्रॉपरली अपने आप को ग्रिल करना है. तो आई एम दैट ग्रिलर. इसलिए हर क्लास में हमारा दिमाग चलेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से. मैं बहुत अलग अलग क्वेश्चंस, इवन ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो उनको लेके पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन पढ़ के पैनिक नहीं होना, उसके सॉल्यूशंस देखना और ये देखना कि मैं कैसे सोच रहा हूँ. तो देन यू वुड बी सरप्राइज कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अभी शुरू में नहीं बना होता, पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो बनना शुरू हो जाएगा. तो बिल्कुल ध्यान में रखना, सोचो कि पहली बार अगर हाथ में गिटार पकड़ा दिया जाए और ना आता हो पहले, तो पहले दिन हमारे लिए वो पेनफुल सा प्रोसेस है कि ये क्या काम, हमें क्या दे दिया गया. वही धीरे धीरे ग्रो करते करते वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. तो ये वैसे का ही प्रोसेस है. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ ऑन द फर्स्ट डे, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. कोई जो पिछली क्लास में ट्रबल आया उसको फिर से रिवाइज करो. 2 मार्क गिव्स यू दिस पावर कम्प्लीटली. उस क्लास को अटेम्प्ट करो, टाइम स्पेंड करो. हर दिन 1.5 घंटा मिनिमम लगाना है मैथ्स को साथ में. बहुत सारी असाइनमेंट्स आएंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लासेस में आने वाला काम बढ़ता जाएगा. पर अब से लेके लेट्स अज्यूम कि अगले 5-6 मंथ्स तक इतने ज़बरदस्त जोन में जाना शुरू हो जाओगे कि हमें तब रियलाइज़ होगा कि हमें कितना ज़बरदस्त चेंज आया. बट ओनली यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट. चलो ऑल द बेस्ट. स्टार्ट विथ लीनियर इन इक्वेशंस विथ फुल कॉन्फिडेंस. इसमें कोई भी स्ट्रगल आए तो उस क्लास वाले क्वेश्चंस को नोटिस करो, बिकॉज द क्लासेस हैव बीन क्रिएटेड इन सच अ मैनर कि आपको डाउट वैसे आएगा भी, कोई डाउट नहीं आएगा. एंड यू वुड बी सरप्राइज, जिन बच्चों ने करा हुआ है तो बिल्कुल उसी जोन में रहेगा ये प्रोसेस, कि आपको जो भी डाउट्स भी आ सकते हैं वो डाउट्स भी क्लास के बीच में कवर्ड. उसमें कोई भी ट्रबल आए तो उसको नोटिस करना, जैसे जैसे मैंने लिखना सिखाया है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है. चलो ऑल द बेस्ट. लीनियर इनइक्वेशंस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज टू बी कवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक वुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको बहुत डेप्थ में करेंगे, पर अभी नहीं, अभी केवल उसकी फर्स्ट 6 क्लासेस करेंगे. टोटल वहाँ पे 13 क्लासेस डली हुई हैं एंड आई वुड बी एडिंग मेनी मोर असाइनमेंट्स. उसमें बहुत सारी असाइनमेंट्स करेंगे. पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 हिस्से हैं. जो पहला पार्ट है वो है फर्स्ट 6 क्लासेस. तो अभी केवल फर्स्ट 6 क्लासेस अटेंड करनी है. देखो अभी शुरू शुरू में हर बच्चे को पूरा जोश चढ़ा होता है कि मैंने IIT क्लियर करना है, बाकी सबने जो करना है करो, मेरा तो फर्स्ट रैंक आएगा, बाकी अपनी रैंक संभाल लो. ग्रेजुअली हमें समझ में आता है कि हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे. दैट इज़ अ ग्रेट थॉट. फर्स्ट आने की करो, फर्स्ट आने के लेवल का हम लोग काम करेंगे, पर साथ में काम करोगे कि नहीं दैट डिपेंड्स अपॉन यू. तो साथ में काम करना, जो जो बताया जाए एग्जैक्टली वैसे साथ में करना है, टाइम स्पेंड करना है. कई बार ऐसा भी होगा कि हम दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मैथ्स को लगा रहे होंगे, तो फिर क्या हो गया. कई दिन बीच में ऐसे भी आएंगे जब हम बहुत रिलैक्स भी होंगे. तो अपने आप को, अपने सोचने की अंडरस्टैंडिंग को, अपने सोचने की क्षमता को एग्जैक्टली पुश करते रहना, और यू वुड बी सरप्राइज कि हमारी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और मैथ्स हमें सही तरीके से आना शुरू होगा. तो चलो ऑल द बेस्ट. लीनियर इनइक्वेशंस इज द फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसकी फर्स्ट 6 क्लासेस अटेंड करनी है, दैट इज इट. उसके आगे की बात हम लोग इसके बाद देखेंगे.